मार्केट में दो कैंप्स हो गए हैं, जैसे आपने कहा, एक ऐसा कैंप है जो बिलीव करता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, और एक दूसरा छोटा कैंप है जो बिलीव करता है कि जो काफी जो नेगेटिव है मार्केट में, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, ऑयल प्राइसेस हो, रुपी का वीकनेस हो, या फिर FIIs की पोजिशनिंग हो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या फिर कोविड का रिस्क हो, मैंने आपको 6-7 फैक्टर्स बता दिए एक साथ, ये सारे फैक्टर्स अभी इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो मेरा ये मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव है ये ऑलरेडी इन द प्राइस है। ब्रेथ के हिसाब से देखें, इंडिकेटर स्टडीज के हिसाब से देखें तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग्स के लिए काफी अच्छा है। मालूम है आज का स्क्रीन आपको अच्छा नहीं लगेगा और कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप जाएं तो इस लेवल्स पे खरीदारी करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट मुझे लग रहा है कि 16,350 से जो 16,400 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। या तो निफ्टी यहाँ से ही रिबाउंड करता है, और अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो इवेंचुअली अपर साइड में ब्रेकआउट कर जाएगा 16,850 के आसपास और इवेंचुअली 17,100 और 17,400 की तरफ चला जाएगा। बट इनके 16,350 ब्रेक करता है तो हो सकता है नियर टर्म में थोड़ी बहुत और प्रेशर आ सकती है। आपसे देखूं तो मेरा ये मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव्स हैं ये ऑलरेडी इन द प्राइस हैं। एक ही की रिस्क मुझे लगता है वो है ऑयल, जो 120 के लेवल तक आ गया है और उसके कारण इंडियन मार्केट आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि दिस इज अ मार्केट विच शुड बी बॉट ऑन डिप्स। बट अगर आप बिगर पिक्चर को देखें, यूएस मार्केट सेटअप को देखें, इंडियन वॉलिटिलिटी को देखें जो काफी स्टेबलाइज कर चुका है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के चार्ट्स को देखें, मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए, ज्यादा कोई डाउनसाइड नहीं लगता है, इवेंचुअली मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट कर। न्यूज आजकल के मार्केट में काफी रेलेवेंट हो गया है एंड बिकॉज द मार्केट इज डिस्काउंटिंग वेल इनटू द फ्यूचर, आप न्यूज फ्लो के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, मार्केट न्यूज फ्लो को क्या समझता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे कहा इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन डेफिनेटली ये कंसर्न्स है, बट उसके कारण ही हम लोग ने पिछले दो तीन महीने का मंदी हमने देखा और निफ्टी 15,700 तक गया। सो आई थिंक ये जो RBI की जो पॉलिसी है, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ रीजन और अ ट्रिगर फॉर द मार्केट टू ब्रेक डाउन, क्योंकि काफी हद तक वो डिस्काउंटेड है। अगर न्यूज फ्लो वहां से आती है तो हो सकता है कि एक बाय ऑन न्यूज हो सके, और जिस तरह से बैंक निफ्टी के चार्ट्स है मेरा ये मानना है कि डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि बहुत दिन बाद बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत लीडरशिप दिख रही है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी, IT सेक्टर और रिलायंस, जो तीन जो हैवी वेट्स है निफ्टी के, ये तीनों बहुत दिन बाद एक साथ अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे, तो इसके कारण हमारा व्यू थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव है।